हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स पार्ट ऑफ ओपन एकेडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपने सपनों की क्लास में। आप सभी लोग जानते हो कि छोटे छोटे स्वीट एंड शॉर्ट सेशंस कई बार आपके कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत बना देते हैं जिसकी उम्मीद कभी आप नहीं कर सकते हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही एडवर्ब जिसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत गलतियां होती है। जैसे एक वर्ड है फेयरली, ये आपका एडवर्ब है। इसके साथ साथ एक और वर्ड है रेदर। इन दोनों के यूजेस को अगर देखें तो इन दोनों के यूजेस को आप बड़े अच्छे से कर लेते हो, लेकिन इनका यूज प्रॉपर कहां करना है उसमें गलतियां हो जाती है। अगर हम फेयरली की बात करें तो फेयरली का यूज हमेशा प्लेजेंट सेंस में करते हैं। जब सुखद सेंस आएगा या हम कह सकते हैं जब गुड सेंस होगा तो गुड सेंस में हम इसका यूज करेंगे, गुड सेंस में फेयरली का यूज करेंगे। अगर रेदर की बात करें तो रेदर का यूज हम अनप्लेजेंट सेंस में करते हैं। अनप्लेजेंट सेंस का मतलब क्या है? जब हम बैड सेंस की बात करेंगे तो बैड सेंस में यूज करते हैं रेदर। हम टू और वेरी को बहुत पढ़ते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि फेयरली और रेदर भी एक ऐसे वर्ड है जिनके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखा यू आर फेयरली एनर्जेटिक। भाई किसी का एनर्जेटिक होना अच्छी बात है, तो ये गुड सेंस है। गुड सेंस में हमने किसका यूज किया? फेयरली का। अगर इसी जगह हम लिख दें यू आर रेदर लेजी, अब किसी का लेजी होना ये तो नेगेटिव सेंस है, ये तो बैड सेंस है, और बैड सेंस के सेंस में किसका यूज करेंगे? रेदर का यूज करेंगे। ये याद रखना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इनके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स मीनिंग के चक्कर में इनको सही कर देते हैं। वो ये नहीं जानते कि इनका मीनिंग लगभग एक जैसा है लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंट है। इसी तरह से एक और एडवर्ब आप लोग गलती करते हो, टू और वेन। अगर हम टू की बात करें तो टू का यूज हम करते हैं हमेशा बैड सेंस में। जब भी बैड सेंस की बात आएगी तो किसका यूज करेंगे? टू का। और वेरी का यूज करते हैं हमेशा हम गुड सेंस में। गुड सेंस के लिए वेरी आता है और बैड सेंस के लिए टू। जैसे मैंने लिखा इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये बैड सेंस है। भाई इतनी गर्मी है कि कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा, बैड सेंस है, तो बैड सेंस में क्या आया? टू। अगर इसी जगह हम गुड सेंस की बात करते हमने लिखा ही इज वेरी इंटेलिजेंट, भाई किसी का इंटेलिजेंट होना तो गुड सेंस में आएगा, और गुड सेंस में आएगा तो क्या आएगा? वेरी। अगर कोई इंटेलिजेंट ना हो तो क्या यूज करेंगे? ही इज टू डक। तो देखो यहां पर किसका यूज किया है? टू का यूज किया, जो कि किस सेंस में यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है आपका बैड सेंस में, तो बैड सेंस के लिए टू आ जाएगा, और गुड सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे? गुड सेंस के लिए हम वेरी का यूज करेंगे। ये चार एडवर्ब आपको याद रखना है। इसके अलावा एक एडवर्ब का क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसे आप ट्रिक के तौर पर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। वर्ड है फेयरली, अभी बताया था रिलेटिवली, इसे नोट कर लेना। सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। फेयरली, रिलेटिवली और कॉम्परेटिवली, इनके साथ में कई बार कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया जाता है, जबकि आप सब लोग जानते हो इनके साथ में हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, क्योंकि खुद में एक कॉम्परिजन तरह से यूज होते हैं। तो फेयरली, रिलेटिवली और कॉम्परेटिवली, जब भी ये आएंगे तो इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल। हमने लिखा यू आर फेयरली मोर इंटेलिजेंट, अगर आप मोर इंटेलिजेंट करोगे तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहां पर मोर इंटेलिजेंट करोगे तो ये कंपैरिजन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? जबकि आप फेयरली के साथ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? यू आर फेयरली गुड, क्या आ जाएगा? यू आर फेयरली गुड, क्योंकि ये यहां पर
पॉजिटिव डिग्री यूज हो रहा है। इसी तरह से आपको रिलेटिवली का भी यूज करना है, इसी तरह से आपको कॉम्परेटिवली का भी यूज करना है। ये बेसिक लेवल पे, जो इनिशियल लेवल पे ग्रामर को सीख रहे होते हैं उन स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं, जो न्यू कमर्स या फ्रेशर्स होते हैं उनसे ये गलतियां हो जाती हैं। जिनको एक्सपीरियंस है, जो पेपर को सॉल्व करते रहे हैं, जिन्होंने कई सारे पेपर दिए हैं, उनसे ये इस तरह की गलतियां नहीं होती है। तो ये ध्यान। अच्छा, इसके अलावा दो वर्ड और है जिनमें एयरफोर्स नेवी डबल एसएसआर वाले स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, वो है फर्दर और फार। ये न्यू कमर से होने वाली गलतियां। फर्दर का यूज हम करते हैं नेक्स्ट टू के सेंस में, नेक्स्ट टू मतलब अगला, और अगर हम फार्दर की बात करें तो फार्दर का यूज करते हैं दूरी के सेंस में। ये दूरी के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये दूरी के लिए यूज होता है। अब देखो जैसे मैंने कहा द फर्दर न्यूज इज दैट, यहां पर किसका सेंस था, अगले का सेंस था, नेक्स्ट टू का सेंस था, तो हमने किसका यूज किया है, फर्दर का यूज किया। अगर इसकी जगह दूरी की बात करते हैं, हमने लिखा मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली, तो देखो आपने किसका यूज किया है, तो आपने फार्दर का यूज किया है। जब हम दूरी के सेंस की बात करेंगे तो फार्दर आएगा, नेक्स्ट टू के सेंस की बात करेंगे तो हम फर्दर का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना। देखिए जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, प्रपोजिशन पढ़ें, कंजंक्शन पढ़ें, एडवर्ब पढ़ें, या फिर प्रोनाउन पढ़ें, नाउन पढ़ें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ें, नरेशन पढ़ें, इनको तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो जब आपको इनका निचोड़ पता हो, इनका कंक्लूजन पता हो, इनका बिल्कुल डिटेल पता हो कि इनसे क्वेश्चन किससे बनते हैं, पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें आपको याद रखनी, और आप उन्हीं से दूरी बना लेते हो। जब वो चीजें आपको याद नहीं होती है तभी आपसी गलतियां हो जाती हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, और ध्यान रहे कि यही चीजें आपके नोट्स को मजबूत बनाएंगी, आपके पेपर में आपके एबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। अभी के लिए इतना ही। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी सभी क्लासेस के लिए आप वाईफाई स्टडी स्टूडियो वाईफाई स्टडी 2.0 पर हमें फॉलो कर सकते हो, हमारी क्लासेस को देख सकते हो। थैंक यू। जय।